हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि डिफेंस के सेक्टर में जाके अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, असम राइफल के अंदर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि रैली कब स्टार्ट होगी, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, फिजिकल में क्या सब रहेगा। तो आज की इस वीडियो में अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो असम राइफल्स को लेकर, अगर इतना सा भी सीरियस हो, तो एंड तक आप बने रहना। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, की असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट आई है। फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, 21 अक्टूबर से स्टार्टेड है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 19 नवंबर 2023 रहने वाला है। आपको 19 तारीख का वेट नहीं करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको असम राइफल्स में जाना है, तो बहुत ही सुनहरा मौका है। जितना जल्दी हो सके फॉर्म को आप अप्लाई कर देना। रैली जिसमें कि पीईटी एंड पीएसटी होगा, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसका डेट अनाउंस कर दिया गया है। रैली स्टार्ट होने वाली है 18 दिसंबर से, उसके बाद ऑनवर्ड्स ही आपका चलता रहेगा। रही बात की फॉर्म अप्लाई करने में क्या फी लगता है, ग्रुप बी की जो पोस्ट होती है उसके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 200 रुपीज़। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 100 रुपीज़। अदर कैंडिडेट से यहाँ पर 0 रुपीज़ लिया जाएगा, मतलब कि इनके अलावा जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनसे कोई चार्जेस नहीं लगने वाले। रही बात एज लिमिट, तो वो मैं आपको पोस्ट के साथ क्लियर करूंगी। कब से कैलकुलेट होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st अगस्त 2023। अब आप सोच रहे होंगे क्या एज में रिलैक्सेशन मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। ओबीसी को 3 इयर्स का, एससी एसटी को मिलता है 5 इयर्स का। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं किन किन पोस्ट के ऊपर आई है रिक्रूटमेंट और क्या एज की यहाँ पर क्राइटेरिया रखी गई है। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, 10 पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट आया है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो है प्लम्बर की पोस्ट के लिए है, 18 to 23 years, मतलब मिनिमम 18 मैक्सिमम 23 years एज लिमिट रखी गई है। सेकेंड है लाइनमैन फील्ड के लिए, इसमें भी सेम मिनिमम 18 मैक्सिमम 23 रखा गया है। थर्ड है आपका सर्वेयर ITI के लिए, मिनिमम 20 मैक्सिमम 28 years रखा गया है। फोर्थ जो पोस्ट है रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25 years एज की लिमिट रखी गई है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 25, ड्राफ्ट्समैन के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 25, एक्सरे असिस्टेंट के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23, मतलब 23 साल तक के जो कैंडिडेट होंगे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका 8th पोस्ट है ब्रिज एंड रोड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेगा, मिनिमम 18 मैक्सिमम 23 इयर्स। फिर है आपका रिलीजियस टीचर, मतलब धार्मिक शिक्षक की पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट आई है, मिनिमम 18 इयर्स मैक्सिमम 30 इयर्स रखी गई है। लास्ट पोस्ट है आपका इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिक्स का, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 इयर्स यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए, पोस्ट और एज लिमिट तो आपने देख लिया, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 5 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पीईटी एंड पीएसटी, मतलब रैली में जब आप जाओगे तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, साथ ही साथ होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपकी रनिंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि डिफेंस सेक्टर है तो इसमें रनिंग वगैरह होती है। साथ ही साथ पीएसटी जो होती है ना, उसमें आपकी हाइट एंड चेस्ट की मेजरमेंट की जाती है। उसके बाद होगा आपका क्या, रिटन एग्जामिनेशन, ऑफलाइन होगा पेन एंड पेपर मोड से। थर्ड होगा स्किल टेस्ट, मतलब पोस्ट वाइज वो डिपेंड करेगा कि वेरी करेगा, आपको जिस पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो करना होता है। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्टली आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले जिन प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा, चलिए अब हम लोग पहले वो समझ लेते हैं। एट फर्स्ट होता है आपका क्या, हाइट एंड चेस्ट की मेजरमेंट। चलिए समझ लेते हैं किन किन पोस्ट के लिए आपका फिजिकल होगा।
एक्सरे असिस्टेंट प्लम्बर सर्वेयर आईटीआई लाइनमैन फील्ड रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए आपका हाइट एंड चेस्ट का यहाँ पर मेजरमेंट किया जाएगा, मतलब फिजिकल होगा। हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। चेस्ट होता है 80-85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 76-81 सेंटीमीटर। सो आई होप कि आप हाइट एंड चेस्ट समझ गए होंगे। अब क्या होगा आपका पीईटी, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। आइए देख लेते हैं रनिंग किस प्रकार से होगा। रनिंग जो होता है मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, 8.5 मिनट में इसको कंप्लीट करना होता है। वही अगर आप लद्दाख रीजन के मेल कैंडिडेट हो तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स को 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। तो आपका जो फर्स्ट होता है पीईटी एंड पीएसटी वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब मैं एग्जाम की पैटर्न भी आपको समझा देती हूँ। फ्रेंड्स आपका जो पेपर होता है ना, 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, 100 मार्क्स के लिए टाइम मिलता है 2 घंटे का। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। मीन्स कि ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 2 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना होगा। सो आई होप कि एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने इतना सब कुछ बता दिया, ये बताया ही नहीं कि टोटल कितना सीट पे वैकेंसी आई है। तो फ्रेंड्स आपको बताते चलो कि 161 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। बहुत सारे बच्चों का उम्मीद टूट गया हो क्योंकि पहले से जो अनाउंस की गई सीट थी वो आपको था कि 12,000 सीट आएगी, 1,000 आएगी, मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। पर फाइनली जो नोटिस आई है उसमें 161 सीट के लिए, लेकिन आपको सिर्फ 1 सीट से मतलब है। तो मायूस नहीं होना है, घबराना नहीं है, तैयारी की स्पीड को अच्छी रखनी है, फिजिकल में भी लगातार आपको वर्क करते रहना, ताकि आप एक बार में जाओ रैली में तो फिजिकल आपका क्रैक हो जाए, फिर आप पढ़ाई करते रहोगे तो एग्जाम भी क्रैक कर लोगे। सो आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताए हैं असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर कहीं पर भी छोटा सा भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। और ये जो आपको नोटिफिकेशन आई है ना, ये जॉब नोटिफिकेशन मैं पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो भर भर के लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर देना ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में पता चल सके। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।